माया नगरी मुंबई में मॉनसून की दस्तक के साथ ही हादसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर साल कोई ना कोई इमारत जमीन दोज हो जाती है और जिंदगियां इसमें दफन हो जाती हैं। इस बिल्डिंग की तस्वीर देखकर आप भी हैरत में पड़ गए होंगे। तस्वीर चूना भट्टी के टाटा नगर में स्थित 3 मंजिला इमारत की है, जहां 45 परिवार अपनी जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। इस इमारत की दशा इतनी खराब है कि नागरिकों को रस्सी के सहारे एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ता है। बिल्डिंग का स्लैब पूरी तरह से टूट गया है और सेफ्टी वॉल के नाम पर बचा है तो सिर्फ जंग लगे लोहे के रॉड। अभी रहने को लिए लायक नहीं है क्योंकि बहुत गिरी हुई है, सब जगह गिरता है, यानी कि जाली टूटता है, कभी सीलिंग टूटता है, तो डर लगता है रहने के लिए। पिछले कई सालों से ये इमारत जर्जर हो चुकी है। रहवासी प्रशासन से स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीएमसी हर साल उन्हें नोटिस देकर चली जाती है। कुछ रहवासियों ने अपना दूसरा आशियाना ढूंढ लिया है, लेकिन जिनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है वो इसी खंडर इमारत में रहने को मजबूर हैं। गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन न जाने किस हादसे का इंतजार कर रहा है। बारिश के चलते खतरा और बढ़ जाता है, लोग डर डर कर रहने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशासन समय रहते सही कदम क्यों नहीं उठा रहा, कब प्रशासन की नींद खुलेगी। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।